नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसके बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कौन कौन सी राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है और कौन कौन सी राज्य सरकार ने किस किस शहर में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया है। तो ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने एजुकेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है और आप आगे भी ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कोरोना और लॉकडाउन को लेकर आ रही आज की तमाम बड़ी खबरें। तो अगर हम बात करें कोरोना के मामलों की, तो कल एक दिन में 47,262 कोरोना केसेस देखने को मिले थे, यानी कि 2021 के सबसे अधिक केसेस। लगातार रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और 130 दिन से भी ज्यादा समय के बाद 47,000 कोरोना केस देश भर में आए, यानी कि एक बार फिर से कोरोना महामारी की लहर देखने को मिल रही है। राज्य सरकार ऐसे में कई सारे बड़े फैसले भी उठा रही है, और केंद्र सरकार द्वारा भी इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लिया गया था, और ये बड़ा फैसला यह है कि 30 अप्रैल तक इंटरनेशनल जो भी हवाई उड़ाने हैं उन्हें फिलहाल के लिए बंद ही रखा जाएगा। पहले से बंद है, अब इसे आगे बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। वहीं जैसा कि होली लगातार नजदीक आती जा रही है, ऐसे में कोरोना महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है, और जैसा कि आपको बताया कि होली कई जगहों पर सामूहिक रूप से भी मनाई जाती है, यानी कि पब्लिक प्लेस पर होली मनाई जाती है। ऐसे में कई सारी राज्य सरकारें ये बड़ा फैसला ले चुकी है कि सामूहिक होली पर पूरी तरीके से रोक है, यानी कि आपको इस बार की होली पिछली बार की तरह घरों में ही मनानी होगी। पिछली बार हालांकि इतने कोरोना केसेस नहीं आए थे होली के वक्त तक, लेकिन पिछली बार देश में भय का माहौल था, ऐसे में कई सारे लोग अपने घरों में ही होली मनाए थे, और ऐसे में 2021 में भी यही हालात है। और इस बार सरकार की ओर से कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि होली अपने घरों पर ही मनाए। वहीं महाराष्ट्र में जैसा कि आपको पता है कि लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार दिन ब दिन कोरोना केसेज बढ़ते ही जा रहे हैं, और लगातार दिन में सबसे अधिक मामले आने का रिकॉर्ड भी टूटता ही जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी कई सारे बड़े फैसले लगातार ले रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी अब 11 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इससे पहले राज्य सरकार ने बीड में भी 11 दिनों का लॉकडाउन लगाने की बात सामने रखी थी। वहीं कोरोना के लगातार मामले जैसा कि बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस भी आ चुका है, यानी कि जो ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट के और ब्राजील वेरिएंट के कुछ केस सामने आए। अभी तक 18 राज्यों में कुल 771 मामले सामने आ चुके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़, नागालैंड और पंजाब में हेल्थ वर्कर्स के कम वैक्सीनेशन पर चिंता जताई है, यानी कि लगातार वैक्सीनेशन तो करवाया जा रहा है, लेकिन नए वेरिएंट के कारण काफी भय का माहौल एक बार फिर से बन सकता है। अभी तक 5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि कोरोना से लड़ाई में अपना साथ देने वाली है। लगातार लोगों से यही बात कही जा रही है कि कोरोना वैक्सीन लगवा ले, और 1 अप्रैल के बाद 45 साल से अधिक के व्यक्ति भी लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन। अभी फिलहाल 60 साल से अधिक व्यक्ति है वही लगवा सकते हैं वैक्सीन। ऐसे में अगर आपकी उम्र भी 60 साल से ऊपर की है तो कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवा ले और सरकार से कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान जरूर दे। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7 दिन में दोगुनी हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1712 नए केस देखने को मिले हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने आने वाले रविवार से बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पिछले रविवार से इसे लागू किया जा चुका है। अब 28 मार्च को प्रदेश के 7 शहरों में लॉकडाउन रहने वाला है।
शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन माना जाएगा। इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस प्रकार से कोरोना को लेकर आज दिन भर की बड़ी खबरें सामने आ रही थी। इसके अलावा अभी तक कई राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में स्कूल भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।